गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्या आप कुछ फार्मूला याद रखे हैं? मात्र इसमें तीन फार्मूला का यूज होता है, मैं बताया भी था, और ये तो फर्स्ट इनटू लास्ट पर है, लेकिन कहीं कहीं यूज हो जाता है। आप माइंड को खराब मत करिए, आप एकदम फ्री माइंड प्रसन्न मुद्रा में आइए और तब मैथ बनाइए। अभी नहीं कि बनाने के पहले ही माइंड खराब कर लेंगे तो आपसे मैथ बनेगा नहीं, देखते ही माइंड खराब हो जाएगा तो मैथ बनेगा ही नहीं। तो देखिए, बहुत आसान है ना, जिसको छुएगा टच करते ही बन जाता है। कहता है क्या कहता है उसको पहले आप देखिए, इसमें जो कह रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ देख रहे हैं क्या कहता है, ए 2/3 x² -17/3 x -28 एलसीएम ऑफ 3 एलसीएम हो गया, तो 2x² -17x और 3 × 28 = 84। अब इसको क्या किया गया, ऊपर वाला को फैक्टराइजेशन कर दिया गया, इसको 1/2 जो कहते हो लिख दिया गया, अब ऊपर वाला को फैक्टराइजेशन, तो फर्स्ट इंटू लास्ट इसको मल्टीपल करेंगे तो 186। ऐसा करें जो पहले मैंने बताया था, फर्स्ट इंटू लास्ट, यही ना मैंने पहले बताया था प्यारे बच्चों, व्हाट फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट इंटू लास्ट में जो मैंने बताया था, तो इसको मल्टीपल करते हैं तो 168, 2 से लगाते हैं 84, 2 42 2 21 3 7। तो आप ऐसा दो में इसको ब्रोकन करिए, इसी इतने से 7 3 2 2 2 का यूज कर कर करके कि आपको -17 आ जाए। तो क्या किया मैंने, देखिए तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 जा 8 3 जा 24 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 24 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -24 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -17 आ गया, और दोनों को मल्टीपल करेंगे तो माइनस कितना है, -118 के बराबर आ जाता है, -168 के बराबर आ जाता है। अब देखिए दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन होगा, 2x कॉमन ले लिए, तो 2x कॉमन लिए तो x माइनस 12 है ना, 12 2 जा 24 12, और 7 कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 12 7 जा 84, तो 12 बच गया। अब देखिए दोनों में ये है कॉमन है ना, कितना कॉमन है, x माइनस 12, ये दोनों में से हम कॉमन ले लिए, कितना को कॉमन लिया गया, x माइनस 12 प्यारे बच्चों आप कॉमन ले लिए, तो x माइनस 12 कॉमन ले लिए तो क्या दिक्कत ना है। थोड़ा और इधर से देखिएगा तो बढ़िया रहेगा, एकदम साफ दिखाई देना चाहिए तब समझ में आएगा। तो अब एक देख लीजिए, तो ये जो है आप ले लिए तो 1/3 है ना, तो 1/3 अब x माइनस 12 में मल्टीपल करिए या 2x माइनस 2x प्लस 7 में करिए, तो इसी में कर देते हैं, एक ही गो में होगा, एक गो में होगा, तो अंदर हुआ तो 1/3x माइनस 12/3 3 4 जा 12, इट मीन्स 1/3x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 7, यही तो आपका आंसर हो। अब पहले बच्चों एक है, ये थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि गड़बड़ है, लेकिन बहुत इजी है प्यारे बच्चों, समझना होगा। 9 × 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 × 2x 2a - b² माइनस, अंडरस्टैंड, वेरी गुड, हाँ तो माइनस व्हाट, अंडरस्टैंड, हाँ तो देख रहे हैं ना, तो माइनस आपका कितना है, देखिएगा 2x माइनस
बी माइनस 30, तो देख रहे हैं ये दोनों में ही कॉमन है कॉमन, तो इसको हम कुछ यहाँ लिख दिए लेट 2x माइनस बी इक्वल टू एक्स, अंडरस्टैंड एक्स एक्स, तो यहाँ पर जहाँ 2x माइनस बी आ रहा है वहाँ पर x, तो 9x स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पर भी आ गया, तो x और माइनस 13। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ेंगे, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर आप देख रहे हैं ना ऐसे तोड़िए, तो आप आपको मैंने बताया था क्या करना होगा इसको, तो कितना होता है इसको ब्रोकन करेंगे तो कितना होगा बोलिए, तो 13 और 9 है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ब्रोकन करेंगे तो 9 × 13 लिख दीजिए डायरेक्ट ऐसे ही। अब इसको तोड़ इसको मल्टीपल करेंगे ना, तो ऐसा ये ही दोनों को उपयोग कर करके ऐसा करिए कि आपको 4 आ जाए, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा ना भाई, तो देखिए तो इसको माइनस 4 आना चाहिए, तो ऐसा कर दिए 9x² पहले बच्चों 9x² और प्लस 9x माइनस 13x, 13x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 4x बचेगा, माइनस 13 जो था वो लिख दिए, अब दोनों में से 9x को कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा x, अब प्लस 1 जान रहे हैं कि सब में 1 इज गॉड, 1 गॉड है ना जो सब में शामिल है, तो ये देख ही रहे हैं, तो x प्लस 1 बच गया, यहाँ पर 13 कॉमन ले लीजिए 13, तो x, अब देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस है सावधान हो जाना है, ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1, क्यों क्योंकि 13 × 1 तो 13 ले लिए तो 1 हो गया, अब देखिए दोनों में ये शामिल है x प्लस 1, तो इसको कॉमन ले लिया गया x प्लस 1, तो बच गया कितना 9x माइनस 13। अब प्यारे बच्चों x जो है x इक्वल टू कुछ माने थे, द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2a माइनस b, जहाँ x दिखाई दे रहा है 2a माइनस b पुट कर दीजिए, क्या है देखिए वहाँ, यहाँ जो मैं लिखा तो यहाँ x दिखाई दे रहा था तो वैल्यू क्या पुट कर दिया 2a माइनस b, और फिर यहाँ 9x है तो यहाँ पर भी मैंने वैल्यू पुट कर दिया कितना 2a माइनस b माइनस 13, ठीक है, अब ये जो ज्यों का त्यों हो गया 2a माइनस b प्लस 1 इंटू इसमें मल्टीपल कर दिए तो 9 × 18a माइनस 9b माइनस 13, यही तो आंसर हो गया, कितना इजी है। अब जस्ट उसी की तरह एक और है सिमिलरली, है ना, सिमिलर क्वेश्चन है ना, तो क्या 6 × 2x - 3/x होल स्क्वायर प्लस 7 × 2x - 3/x - 20, अब ये दोनों में कॉमन है तो इसको लिख लेते हैं लेट 2x - 3/x = m, तो कितना लिख सकते हैं, यू कैन राइट 6m² + 7m पूरे को m माइनस 20। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर ब्रोकन कर दीजिए, दोनों को मल्टीपल करेंगे फर्स्ट और लास्ट, मैं बार बार कर रहा हूँ कि फर्स्ट इंटू लास्ट, इसको एकदम बार बार ध्यान दीजिए, तो कितना हो जाएगा माइनस 120 2 62 32 15 3 5। अब इसको ऐसा दो पार्ट्स में ब्रोकन करिए, ये दोनों को एक साथ कर दीजिए, अभी तीनों को एक साथ, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15 - 8, तो 15 में से 8 जाएगा तो प्लस 7 बचेगा, मल्टीपल करेंगे तो ये दोनों माइनस आ जाएगा ना, 60 × -20 तो माइनस कितना 120। अब दोनों में कॉमन ले लीजिए क्या 3m तो 3 × 2 = 6m और 3m है तो 3 × 5 = 15, और ये दोनों में से 4 कॉमन ले रहा है तो 4 कॉमन ले लीजिए, 4 × 2 = 8m और 4 × 5 = 20। अब प्यारे बच्चों ये माइनस था तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ब्रैकेट के पहले जैसी माइनस लेंगे तो ये सिंबल चेंज हो गया। अब ये देख लीजिए दोनों में इक्वल है कॉमन, इसको ले लीजिए 2m + 5 ये कॉमन ले लिया तो बचा क्या 3m - 4
बच गया, पुट इन द वैल्यू क्या, एम इक्वल टू क्या 2x और माइनस 3/x, तो जहां जहां m दिखाई दे रहा है ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पुट कर रहे हैं क्या 2 × m का वैल्यू कितना 2x - 3/x, 2x - 3/x प्लस 5, और फिर इसमें भी पुट कर रहे हैं 3 × 2x - 3/x - 4। अब देख लीजिए इसमें 2 × में है, मल्टीपल कर दीजिए सब में, तो 2 × 4x - 3 × 6/x + 5 और 3 × 6x - 3 × 9/x - 4, यही तो आंसर हो गया। कितना इजी है, केवल थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए आपका सब बन जाता है। अब ये कह रहा है 4x² + 7x² - 2। अब ये है, देखने में लग रहा है पावर फोर है, कैसे इसका फैक्टर निकलेगा, बहुत है नहीं, कुछ नहीं, इजी इजी क्या, लेट x² = m, तो x² = m, तो x^4 को लिख सकते हैं m² लिख सकते हैं कि ना, m² x^4 इट मीन्स m² तो 4m² अब प्लस 7x² = m m - 2। अब एक स्टेप वहां देख लीजिए क्या कहता है, तो इसको फैक्टर हम कर दिए, फैक्टर कर दिए कैसे, तो 7 को लिख सकते हैं 8m - m भैया आपको आया था -8m, तो m से लगाएंगे तो 8m होगा ना भाई, माइनस होगा कि नहीं, मल्टीपल करके देख लीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो 8m - m 7m हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है 4m, तो 4m निकाल लिए, तो m प्लस 2 × 4 4 × 8 है ना, फिर दोनों में क्या कॉमन 1 इज गॉड, मैं बताया था, तो -1 ले लिए, तो m प्लस 2 माइनस कॉमन लिए है तो ये प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया। अब देखिए दोनों में ये सामान कॉमन है कॉमन है, इसको m प्लस 2 कॉमन ले लिया तो 4m माइनस 1 हो गया। अब m पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू x², तो जहां m दे रहा है वहां x² वैल्यू पुट कर दीजिए, तो m प्लस 2 मतलब x² + 2 और 4m तो 4m मीन्स 4x² - 1। अब इसको थोड़ा सा दिमाग हम लगा लिए, थोड़ा सा यूज किए माइंड, क्या चीज है, इसको लिख सकते हैं 4m² को 2x² 4x² मतलब 2x² - 1² a² - b² इट मीन्स a + b × a - b इट मीन्स 2x + 1 × 2x - 1 दीज आर फैक्टर, है ना, बहुत इजी है कि नहीं, कितना इजी है, केवल माइंड थोड़ा थोड़ा लगाते चल जाइए आपका सब बनते चल जा रहा है। अब कहता है घुलेट कितना 999² - 1, अरे भैया तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, 999² - 1² 1² 1 होगा ना, तो अब देखिए पुनः जो मैं फॉर्मूला बताया था a² - b² क्या बताया था a + b × a - b, मैंने कहा ना कि मात्र 3 फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो a² - b² = a + b × a - b। अब a प्लस b है तो इसको जोड़ दीजिए तो 1000 हो जाएगा, इसमें से 1 को सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करेंगे तो कितना 998, और मल्टीपल कर दीजिए तो कितना 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000 998,000। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका टोटल मैथ बन गया, है ना, तो फैक्टर कितना इजी है, लेकिन हाँ प्रत्येक दिन बनाएंगे, एवरी डे आप कुछ वर्क करेंगे तब ना, अब ऐसे देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और CBSE बोर्ड में अच्छा करना है तो पर डे बनाइए, है ना, बनाइए, मैंने कम से कम 10 मैथ तो अवश्य बन जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं बनाएंगे तो 10th में और भारी हो जाएगा, इसलिए बहुत इजी
है अभी से बनाने के लिए एकदम प्रयास करिए तो सब बन जाएगा। थैंक यू।